वेलकम बैक, दिस इज शिवानी जायसवाल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में। मोस्टली आपने काफ़ी सुना होगा एंड मुझे बहुत सी इंक्वायरी आती है कि हम इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। तो अगर आप भी इस इंस्टीट्यूट के लिए सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वॉन्ट टू आस्क सम क्वेश्चंस कि अगर आपके माइंड में ये यूनिवर्सिटी के अलावा कोई भी यूनिवर्सिटी चल रही है तो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट वॉज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ 2004। एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट वॉज एस्टेब्लिश विद द ऑफिशियल लाइसेंसिंग बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ किर्गिस्तान एंड लोकेटेड इन द कांट सिटी। द डिस्टेंस बिटवीन बिश्केक टू कांट सिटी 24 किलोमीटर्स। अगर मैं इसकी वर्ल्ड रैंकिंग की बात करूं तो वर्ल्ड रैंकिंग 11,832 है, लेकिन अगर मैं कंट्री रैंकिंग की बात करूं तो 30 है। तो देखो, आपके माइंड में ये यूनिवर्सिटी तो चल रही है कि हाँ, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में आप सोच रहे हो कि मुझे इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, बट लाइक आपके माइंड में यूनिवर्सिटी को भी लेकर बहुत से डाउट्स हो सकते हैं। तो अगर आपके माइंड में थोड़ा भी किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी डाउट्स हो तो को हमारा नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू विद कंप्लीटेड डिटेल्स एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट ओवरव्यू, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यूनिवर्सिटी बायलिंगुअल, यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड, यूनिवर्सिटी फी स्ट्रक्चर, हॉस्टल की फैसिलिटी एंड फूड एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हम इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। मीन्स प्राइवेट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि किर्गिस्तान में सारी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ही हो, लेकिन आपके माइंड में चलता है कि अगर हम किर्गिस्तान को चूज़ कर रहे हैं तो हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ले, क्योंकि अगर इंडिया के कंपैरिजन में हम बात करते हैं तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि मुझे इंडिया में अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं मिल पा रही है तो अगर हम अब्रॉड को चूज़ कर रहे हैं तो मुझे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिले। तो देखो, ये यूनिवर्सिटी जो इंस्टीट्यूट है ये टोटली जो है प्राइवेट है, मतलब प्राइवेट है। यहाँ पे आपकी कोर्स ड्यूरेशन जो है वो 6 ईयर होगी। मेनली जो अगर मैं बात करूँ तो 18 नवंबर 2021 के पहले किर्गिस्तान की कोर्स ड्यूरेशन 5 ईयर्स थी, और लेकिन 18 नवंबर 2021 के बाद जो कोर्स ड्यूरेशन हो चुकी है वो 6 ईयर हो चुकी है। तो एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट में आपकी जो फर्स्ट, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होगी, इसमें आपका 70% थ्योरी पार्ट्स होगा और 30% आपकी क्लिनिकल रोटेशन होगी। बट अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर में क्या होगा कि आपका 70% क्लिनिकल रोटेशन होगा और 30% आपकी थ्योरी पार्ट्स होगी। तो देखो, यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहे हो तो हमारा नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फर्स्ट रिव्यू, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया, आपका मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया, आपका क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 60% होना चाहिए। एंड आपका थर्ड क्राइटेरिया, आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। मोस्टली देखो, मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि जब भी आप MBBS इन किर्गिस्तान को चूज़ कर रहे हो तो आप हमेशा नीट क्वालिफाइड करके जाओ, क्योंकि अगर आप नीट नहीं क्वालिफाइड करोगे तो हो सकता है कि जब आप इंडिया आओ तो आपकी डिग्री ही ना वैलिड हो। और लाइक मैंने आपको यहाँ पे एक वीडियो में क्लियर भी किया था कि किर्गिस्तान में क्या है कि बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो ब्लॉक भी हो चुकी है। तो इसीलिए अगर आप भी सोच रहे हो इस यूनिवर्सिटी के लिए तो बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है ये। सो लेट्स टॉक अबाउट योर सेकेंड रिव्यू, बाइलिंगुअल। देखो, अगर मैं बाइलिंगुअल की बात करती हूँ तो एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट फुल्ली इंग्लिश मीडियम है। यहाँ पे लाइक आपके बुक्स, आपके लेक्चर्स, आपके एग्जाम्स, ये सारे इंग्लिश में होने वाले हैं। मतलब यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, बट वो कब होती है, जब आप वहाँ के लोकल लोगों से बात करते हैं। जब आप क्लिनिकल रोटेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ के लोकल लोग आपसे कजाक, रशियन में ही बात करेंगे। तो देखो, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बट लेकिन आपको आपके पढ़ाई में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब यहाँ पे आपके बुक्स, लेक्चर्स, एग्जाम्स, ये सारे इंग्लिश में ही होने वाले हैं। तो सारे फैसिलिटी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिलेगी। सो लेट्स टॉक अबाउट योर थर्ड रिव्यू। थर्ड रिव्यू है हमारा यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड। देखो, अगर मैं इसकी बात करती हूँ
तो एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट MCI अप्रूव्ड, WHO लिस्टेड और FAIMER से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। इससे ये प्रूफ होता है कि आप इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हो, बट इसके लिए आपको एक लाइसेंस एग्ज़ाम FMJE का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। ये आप क्लियर करोगे आप इंडिया में इजिली प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप इंडिया में नहीं कर पाओगे। तो देखो ऐसा नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इस यूनिवर्सिटी की अच्छी है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फोर्थ रिव्यू। फोर्थ रिव्यू, फी स्ट्रक्चर। देखो अगर मैं फी स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो लाइक आपके माइंड में ये तो जरूर चल रहा होगा कि यूनिवर्सिटी प्राइवेट है तो हो सकता है कि काफ़ी कॉस्टली हो, बट देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी भी अगर आप अब्रॉड के लिए सोचते हो ना, तो आपको इंडिया के कंपैरिजन में कम बजट में मिल जाती है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपकी एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट की फुल पैकेज MBBS की जो फ़ी होगी वो यहाँ पे आपकी 18 लाख फुल पैकेज होगी। 18 लाख फुल पैकेज होगी। लाइक आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है सेमी पैकेज। 18 लाख आपको एक बार में नहीं पे करना है, ये मैं आपको पूरे 6 साल का बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 18 लाख के अलावा, अगर आप ऑप्शन है सेमी पैकेज, सेमी पैकेज आपका 9 लाख पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज अगर आप ईयरली जाना चाहते हो तो ईयरली वाइज में क्या होगा, आपका 3,01,000 पड़ेगा, इंडियन रुपीज़ बता रही हूँ। बट यहाँ पे अभी आपको जो भी किर्गिस्तान में आप पेमेंट करोगे यूनिवर्सिटी में वो डॉलर में ही पे करोगे। तो डॉलर में आप कन्वर्ट करोगे 3,01,000 को, तो आपको वही अभी 3,880 के अप्रॉक्स यूनिवर्सिटी में पे करनी होगी। अगर मैं इसे बात करूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, लाइक यहाँ पे आपकी ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस, ये आपकी रहेगी। बट इसे अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो ट्यूशन फ़ी, तो लाइक ट्यूशन फ़ी आपकी यहाँ पे क्या होगी, 2,45,000 इंडियन है, लेकिन मैं इसे कन्वर्ट करूँगी अभी, तो यहाँ पे आपका $3,000 आपको यूनिवर्सिटी में पे करनी होगी। और अगर मैं हॉस्टल फ़ी की बात करूँ तो हॉस्टल फ़ी यहाँ पे क्या है, आपको $500 आपको पे करना है, लेकिन उसे कन्वर्ट करोगे अभी इंडियन में तो 40,000 के अप्रॉक्स पे करना होगा। लेकिन अगर मैं मेडिकल इंश्योरेंस की बात करूँ तो मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ पे आपको टोटल जो है 16,000 आपको इंडियन बता रही हूँ, लेकिन उसे कन्वर्ट करोगे तो $200 आपको पे करना होगा। तो देखो यहाँ पे अगर आप टोटल मिलाते हो तो यहाँ पे टोटल मिला के यूनिवर्सिटी की फ़ी क्या आती है, 3,01,000, जिसे कन्वर्ट करोगे तो आपका डॉलर में पे करना है। तो देखो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, आप जैसे ऑप्शंस लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, और फैसिलिटी भी काफ़ी अवेलेबल है यूनिवर्सिटी में। देखो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि मैम प्राइवेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट, देखो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको प्राइवेट में जाना है या गवर्नमेंट पे जाना है, लेकिन फैसिलिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी इस यूनिवर्सिटी में, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फोर्थ रिव्यू। हो चुका है हमारा फिफ्थ रिव्यू। फिफ्थ रिव्यू की अगर मैं बात करूँ तो हॉस्टल की फैसिलिटी। देखो हॉस्टल की फैसिलिटी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। हॉस्टल अप्रॉक्स सारी यूनिवर्सिटी का सेम ही होता है, पिक्चर्स वगैरह अवेलेबल हैं। आप ऐसा मत सोचना कि इंडिया में लग रहा है जैसे मतलब हॉस्टल की फैसिलिटी को देख कर कि होटल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा हॉस्टल वगैरह मिल जाता है, हॉस्टल वगैरह अवेलेबल हैं आपके सामने और आप देख सकते हैं पिक्चर में, फैसिलिटी भी अवेलेबल है हॉस्टल में आपको, वहाँ के रूम के साथ अटैच किचन्स वगैरह भी मिल जाता है, प्लस में वॉचमैन्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। आपके पास ऑप्शंस होता है सेकंड सीटर, थर्ड सीटर, फोर्थ सीटर, आप जैसे चाहते हैं वैसे ले सकते हैं। बस थोड़े चार्जेस होते हैं कि मान लो कि अगर आपको सेकंड सीटर या फिर आपको अकेले रहना है तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे आप चाहते हैं आप वैसे ले सकते हैं। और गर्ल्स की सेफ्टी की अगर बात करूँ तो बहुत अच्छी सेफ्टी है, फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर सिक्स रिव्यू। सिक्स रिव्यू है हमारा फूड। देखो अगर फूड की बात करती हूँ तो यहाँ पे आपका इंडियन फूड अवेलेबल है, यहाँ पे मेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप मेस से लेना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है खुद से कुकिंग करने की। अगर खुद से कुकिंग पड़ेंगे तो थोड़ा कम पड़ेगा, और अगर मेस लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सारे अवेलेबल है, जैसे आप चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। तो देखो आपके माइंड में और भी कुछ डाउट्स हो यूनिवर्सिटी को लेकर तो हमारा नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी चैट कर सकते हैं। तो देखो इस एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, एंड किर्गिस्तान इज़ अ वेरी गुड कंट्री। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि हमें जाना है इस यूनिवर्सिटी में तो हमारा नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है। थैंक यू सो मच।